पूछना यही है, खटीक समाज का यह प्राचीनतम चार बजानाथ मंदिर आइए ले चलते हैं। और अभी कुछ ही देर में कलश यात्रा यहाँ पर आने वाली है। जहाँ कल तक काम चल रहा था, अब लगभग कार्य लगभग पूर्ण हो चुका है, लेकिन साफ सफाई वगैरह सारी कर दी गई है और कुछ ही देर में यहाँ पर कलश यात्रा पहुँचेगी। प्राचीन बावड़ी में देखिए पानी भरा हुआ है और पत्थर लग चुके हैं और सफाई का काम देखिए अभी चल रहा है। थोड़ी देर में बहुत ज़बरदस्त यहाँ पर भक्तों की भीड़ होगी, पूरे मंदिर पंडाल को साफ सुथरा कर दिया गया है, जाजम बिछा दी गई है। तो भगवान श्री कृष्ण ठाकुर जी की जय हो। देखिए ठाकुर जी विराजमान है अंदर, अखंड ज्योति जल रही है। जय हो ठाकुर जी की। तो ये ध्वजारोहण जो है बहुत पुराना हो चुका था और अब ये ध्वजारोहण चढ़ा जाएगा। काफ़ी प्राचीन मंदिर है, काफ़ी लंबा स्पेस आप देखेंगे तो बहुत बड़ा है। यहाँ पे लाइटिंग सजाई जा रही है क्योंकि आज रात्रि जागरण भी है और कल भव्य प्रसादी का आयोजन है। कुछ ही देर में भक्तों की यहाँ भीड़ आने वाली है और लाइट वाले भाई साहब देखो लाइट लगा रहे हैं। कितनी वो लगानी है? लग गई। अच्छा बहुत ही भव्य मंदिर है। और आइए कुछ और भी दृश्य दिखाते हैं। कटिक समाज का यह भगवान ठाकुर जी का प्राचीन मंदिर, कई मंदिर हैं यहाँ पे, करीब 7 मंदिर है। जय हो। तो काफ़ी अच्छा दृश्य है यहाँ का, बीच सिटी हाथीपोल में यह मंदिर स्थित है, श्री ठाकुर जी का मंदिर है। देखिए पुरानी प्राचीन ये दीवार हुआ करती थी जिसे शेरकोट बोलते हैं, उसी के किनारे ये मंदिर बना हुआ है। हम इसके पीछे की ओर मैं आपको दिखाना चाहूँगा, तालाब है और पूरा पानी भरा हुआ है। तो ये देखिए पूरी, तो यहाँ से आपको ये पूरा गार्डन झील स्वरूप सागर दिखाई देगा और इधर भी सीढ़ी दी गई ताकि यहाँ से भक्त वापस उतर सके। चलिए ऊपर चढ़ते हैं थोड़ा, देखिए कितना खूबसूरत यहाँ का दृश्य है। पूरा जरिया गार्डन है इसको बोलते हैं और ये पूरा शहर यहाँ से दिखाई देता है। बहुत ही खूबसूरत दृश्य यहाँ का। तो चलिए इस नाल से हम नीचे उतरेंगे और कुछ ही देर में भारी संख्या में भक्त आने वाले हैं। ये देखिए प्राचीन दीवार है ये। भरो रे भंडार टोटो न पड़ी मेरी सावरिया से। महाराज जी कहाँ गए? ऊपर है। चलिए महाराज जी से मिलते हैं। यहाँ के भी पूजा अर्चना की जाएगी।
और तैयारी लग यहाँ जाए गुरुजी थोड़ा सा। हाँ तो आइए गुरुजी से मिलते हैं और क्या तैयारी यहाँ पे हो रही है, क्योंकि थोड़ी देर में यहाँ देखते ही देखते पूरा पंडाल भक्तों से भर जाएगा, शायद पैर रखने की जगह नहीं मिलेगी। और अभी तो हम बड़े खुले से जी गुरुदेव, क्या रहा घाट पे, क्या रहा और अब क्या होने वाला है? अभी वहाँ यहाँ से ठाकुर जी नगर भ्रमण पर पधारे थे और वहाँ से 1008 कलश के द्वारा कलश यात्रा और नगर भ्रमण ठाकुर जी का हो रहा है। ठाकुर जी पधारने वाले हैं, यहाँ पर बैठेंगे भगवान का जो है प्रारंभ होगा। इस प्रकार के हर समाज धार्मिक अनुष्ठान करता है, लगभग हर समाज हिंदू समाज के ठाकुर जी के मंदिर हैं, क्या उन समाज को भी इस प्रकार के खेटी समाज से प्रेरणा लेनी चाहिए? हाँ बिल्कुल प्रेरणा लेनी चाहिए, क्योंकि हर वर्ष कम से कम भगवान का एक बार जो पाठोत्सव होता है वो तो कम से कम हर समाज को, हर जहाँ ठाकुर जी का मंदिर है, जहाँ शिव मंदिर है, उनको कराना चाहिए। क्योंकि ये कर्म है, ये सनातन कर्म है और सनातन कर्म को बढ़ावा करने के लिए इन कर्मों को करना पड़ेगा। हमेशा पे देखता आ रहा हूँ प्राचीन काल से एक ही बात नजर आ रही है, जब भी जल जुलनी एकादशी आती है तब भी ठाकुर जी समाज को याद आते हैं कि हमको जाना है। हाँ 12 महीना 365 दिन याद क्यों नहीं करते? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, आपने बहुत अच्छा कहा। सही है, हकीकत में यह है कि सनातन को क्षीण करने के लिए, और सबसे मोटी बात आज आधुनिक युग के जो अंदर ये सारे गैजेट्स आ गए हैं, इनसे व्यक्ति बहुत बिजी हो चुका है ना, बहुत व्यस्त होने के कारण कर्म को नहीं कर पाता और वो एक दूसरे से परंपराओं वाला कर्म है वो किसी को प्राप्त नहीं है। अब बहुत लोग नहीं जानते हैं कि पाठोत्सव भी होता है, भगवान का बर्थडे मनाना उसको पाठोत्सव कहा गया है। वो विशाल विशाल मंदिरों में भी, यहाँ तक कि अपने उदयपुर के मेवाड़ आदि में एक लिंगनाथ उनके मंदिर में भी पाठोत्सव ज्येष्ठ मास की द्वितीया को मनाया जाता है। ऐसे ही सभी मंदिरों में मनाना चाहिए, बहुत श्रेष्ठ रहेगा। फिर भी आप देख रहे हैं कि लगातार समाज में जन जागृति आ रही है और ये किस ओर बढ़ रही है? देखिए शास्त्रों की बात कही जाए तो समय बहुत क्षीण और चल रहा है, लेकिन सब परमा हो ही वही जो राम रचि राखा कोकरी तर्क बड़े हुए साकत, कोई तर्क नहीं कर सकते इसमें, लेकिन परमात्मा सब को अच्छी ही जोड़ चल रही है और अच्छा ही कर्म होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी कुछ ही देर में भक्त यहाँ पे पहुँचेंगे और विधि विधान से यहाँ पर किस प्रकार से आज ये आज सबसे पहले यजमानों का 10 विधि स्नान होगा, फिर गणपति पूजन, मंडप प्रवेश, फिर यज्ञ प्रारंभ, और कल ब्रह्म मुहूर्त से 4 बजे से यज्ञ की पूजन वगैरह प्रारंभ हो जाएगी और 6 बजे यज्ञ प्रारंभ है जो मध्यान्ह तक चलेगा। ये छोटे छोटे धार्मिक काम समाज को एक सूत्र में क्या पिरोने का काम कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखें आप, ये छोटे छोटे प्रसंग हमारे जीवन में बहुत ही खुशियों के प्रसंग लेके आते हैं और ये खुशियों के प्रसंग ही आगे चलकर समाज में विकास और सर्वांगीण विकास में भागीदारी बनते हैं। इसी में से कोई ना कोई रतन निकलता है जो इन व्यवस्थाओं को संभालता है, इन जिम्मेदारी को संभालता है, और इस प्रकार का ये आयोजन बिना जिम्मेदारी के नहीं हो सकता। बिल्कुल। और ये जिम्मेदारी कहाँ से मिलती है? व्यक्ति निरंतर पीढ़ी दर पीढ़ी बताता रहता है, बस एक दूसरे का अनुसरण करने से, माता का पिता के द्वारा धीरे धीरे पुत्र को उनका अनुसरण करने से ही वो कर्म प्राप्त होता है, अन्यथा नहीं। अगर आप करेंगे नहीं, बताएंगे नहीं, तो दूसरों को प्राप्त नहीं होगा। जैसे हमें बताया जाता है कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे, माता पिता का आदर करते थे, इसीलिए उनकी घर घर में पूजा की जाती है। आज भी हम देखें कि रावण जैसे अहंकारी की पूजा नहीं की जा सकती है और बार बार उसको जलाया जाता है, यानी व्यक्ति में कहीं प्रेम है तो कहीं क्रोध है। अहंकार रूपी ही रावण है और कोई नहीं है, अहंकार का एक दूसरा नाम ही रावण है। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी, बहुत अच्छी जानकारी आपने दर्शकों को दी है। आशा है कि हमारे कटिक समाज के लोग भी इससे प्रेरणा लेंगे और भगवान ठाकुर जी की आराधना करते रहें और इनका स्मरण करते रहें, बालाजी की स्मरण करते रहें, भोलेनाथ को स्मरण करते रहें और खूब तरक्की करें। ये देखिए बहुत ही सुंदर, और कुछ ही देर में यहाँ पर यात्रा कलश यात्रा पहुँचेगी और भव्य तैयारी लगभग हो रही है। आप सभी भक्तों को जय श्री कृष्ण, फिर मिलेंगे नई स्टोरी में। तो देखते रहें खूबसूरत उदयपुर से हाथीपोल से ये श्री समाज पंच महासभा का ये प्राचीनतम मंदिर है जहाँ से आप ये रिपोर्टिंग देख रहे हैं। अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें, जय ठाकुर जी जरूर लिखें। धन्यवाद।